जय आयुर्वेद। जैसा कि हम हमेशा से ये आपको बताते आए कि वनस्पतियों का सामान्य परिचय, तो आज हम अमलतास के सामान्य परिचय के बारे में बताएंगे। तो हम ये इसका वानस्पतिक नाम जानेंगे, इसकी फैमिली जानेंगे, इसका स्वरूप जानेंगे कैसा होता है, इसके पर्याय जानेंगे, इसके रस पंचक जानेंगे और रासायनिक संगठन प्रयोज्यांग और ये विशिष्ट योग, इतनी चीज़ जानेंगे। तो सर पहले मैं आपको बता दूं कि अमलतास का जो वानस्पतिक नाम है फिशिया फिस्टूला, ये फाबेशी कुल का है, लेग्यूमिनेसी कुल फाबेशी है ना। और इसके जो अब मैं इसके पर्याय बता दूं, इसके पर्याय है ना, मतलब किसी भी वृक्ष के पर्याय उसके स्वरूप पर आधारित होता है। तो सबसे पहले इसका एक पर्याय है चतुरांगुल। इसकी जो फली के जो पर्व का प्रमाण होता है चार अंगुल का होता है, इसलिए चतुरांगुल। दूसरा पर्याय है फली पैसे दीर्घ फला, इसकी फली बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसका एक पर्याय है दीर्घ फला, ये दीर्घ फली। तीसरा इसका पर्याय है स्वर्णक, जब इसमें पुष्प आते हैं ना तो ये पूरा वृक्ष ऐसा लगता है जैसे सोने का हो, तो इसका पर्याय स्वर्णक। और एक चौथा इसका पर्याय है कृतमाल, इसके जो पुष्प होते हैं ना एकदम माला के समान गुच्छों में आती है, इसलिए इसका एक पर्याय है कृतमाल। अब इसके स्वरूप के बारे में जानेंगे। तो ये अमलतास सामान्यतः 30 से 40 फीट का होता है और इसका तना जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये धूसर वर्ण का होता है और इसके जो पत्र होते हैं वो संयुक्त होते हैं, जिनकी लंबाई लगभग एक फीट होती है, ठीक है। अब इसके फूल के बाद पुष्प के बारे में बात करेंगे। तो इसके पुष्प गुच्छों में आते हैं, जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा, मतलब अभी सीजन नहीं है इस कारण। और इसके फल तो आप देख ही पा रहे हो, लगभग डेढ़ से दो फीट के होते हैं और लंबे होते हैं। अब हम जानेंगे इसके उत्पत्ति स्थान। तो आज आपको पूरे भारत में कहीं भी मिल जाएगा, है ना, आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। और अब हम जानेंगे इसके रस पंचक। तो इसके रस पंचक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो रस पंचक में आपको बता दूं कि इसका जो रस होता है मधुर होता है, गुण होता है गुरु स्निग्ध मृदु होता है, और विपाक मधुर होता है और वीर्य शीत होता है। अब दोष कर्म अपन रस पंचक से ही जान लेंगे। तो गुरु मृदु स्निग्ध होने के कारण इसका जो वात सामक है और शीत वीर्य होने के कारण सामक है। अब हम अमलतास किन किन व्याधियों में इसका प्रयोग करते हैं वो बताएंगे। तो देखिए वात श्रेष्ठ वात की सामक है और कब्जियत में इसका सबसे अच्छा प्रयोग, मतलब कब्जियत की सबसे अच्छी ड्रग है। इसके बारे में आचार्य चरक ने कहा है कि चतुर अंगुलों मृदु विरेचना नाम श्रेष्ठम, मतलब मृदु विरेचन करवाता है। विरेचन मतलब आपका जो स्टूल पासिंग की जो प्रोसेस है ना उसको एकदम सुगम बना देता है, ठीक है। और इसी आरगवत के बारे में आचार्य भाव प्रकाश ने कहा है कि जोरे तू सततम पथ्यम कोष्ठ शुद्धिकरम परम, मतलब जोर और कोष्ठ शुद्धि करने में सबसे अच्छी औषधि है अमलतास, ठीक है। और ये आधुनिकता के इसमें देखे तो इसके कहीं, मतलब इस पर कहीं रिसर्च भी हो चुके, तो वहाँ पर बताया गया है कि जो लिवर इन्फ्लामेशन एंड जॉइंटिस में ये सबसे अच्छी ड्रग है। और स्किन डिसीज में बता दूँ कि स्किन डिसीज में अमलतास के आप जो पत्र होते हैं ना उनको उबाल करके उस पानी से यदि आप बहुत करेंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, तो उससे स्किन डिसीज में पत्र भी बहुत अच्छे उपयोग होते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे उपयोग है, इसके रूट का उपयोग है इसके त्वक का उपयोग है। अब हम बताएंगे कि इसके प्रयोग क्या क्या करेंगे प्रयोज्यांग। तो इसका प्रयोग सबसे पहले अपन इसकी फल मज्जा का प्रयोग करेंगे। तो इसकी जो फल आती है ना इसके अंदर एक फल मज्जा का प्रयोग करेंगे। फिर प्रयोग करेंगे हम जो तना आता ना इसकी छाल का प्रयोग करेंगे, और पत्र का प्रयोग स्किन डिसीज में करेंगे, वो मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसके विशिष्ट योग में आपको मिल जाएगा, मतलब अर्गवधा आदि तेल रासायनिक। अब रासायनिक संगठन में आपको बता दूं कि इसकी फल मज्जा में एंथा क्यूनोन पाया जाता है और इसके मतलब इसकी छाल में टेनिन पाया जाता है।
और आगे इसके बारे में और जानेंगे। जय आयुर्वेद। धन्यवाद।